दोस्तों हमने अभी होटल चेकआउट कर लिया है पोरबंदर से और हम अभी जाएंगे द्वारका। इस जो होटल में मैं रुका था उस होटल का किराया था 600 रुपया और नॉन एसी का 500 रुपया था, तो मैंने 600 में एसी वाला रूम ले लिया। आप भी कभी पोरबंदर आओ तो इस होटल को ज़रूर विजिट करना, अच्छी सर्विस है और अच्छे होटल का नाम है होटल इंद्रप्रस्थ। बस स्टेशन में वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, 5 मिनट पैदल भी आ सकते हो आप। दोस्तों हम यहाँ से द्वारका जाएंगे, द्वारका यहाँ से 102 किलोमीटर होता है, शायद बस में 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पूरी शाक मिल रहा है, तभी जो ऑनर है तुम्हारी पता नहीं, क्या नाम? उमेश भाई। ये उमेश भाई है, यहाँ का ऑनर है और ये इसका एड्रेस क्या? बस स्टेशन के नज़दीक, पोरबंदर बस स्टेशन के नज़दीक, जिला पंचायत के पास। आप जब भी कभी पोरबंदर आओ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। कितने साल से ये है? हमारा तो ये 52 साल से होटल है। सुना भाई साहब ये 52 ईयर से उनका पेड़ी यहाँ पर चला है, शायद उनका फादर, आपका फादर भी चला रहे थे, उनके फादर भी चला रहे थे और ये अभी ये आप अकेले हो या भाई? नहीं, हमारे 3 भाई है। ये 3 भाई, देखो ये 3 भाई खुद चला रहे। यहाँ पर पूरी शाक और क्या क्या मिलता है? पूरी शाक, गाठिया, जलेबी, पूरी शाक, गाठिया, जलेबी, छाछ, पापड़ और पानी, सब जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और पूरी शाक का कितना है अभी? 40 रुपया। पूरी शाक का 40 रुपया। और कितनी पूरी आएगी? 10 पूरी एक सब्जी। 10 पूरी और सब्जी, ओके ओके। दोस्तों हम अभी आ गए हैं पोरबंदर बस स्टेशन, अभी यहाँ से हम द्वारका के लिए बस लेंगे। दोस्तों मैं अभी द्वारका आ गया हूँ, ये देखिए द्वारका गेट है, यहाँ से एक ये द्वारका का मुख्य मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी हम पैदल चल के जाएंगे। हम अभी मंदिर पहुंच रहे हैं, आपको दिखा दे रहे मंदिर का परिसर। अभी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो सभी लोग अपना अपना सामान जमा करवा रहे हैं। इसमें आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा वो स्टोर कीपर को बताना पड़ेगा कि ये मेरा सामान है।
दोस्तों हम द्वारका का मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। अंदर मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पर आपका जो भी लगेज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सभी कुछ यहाँ पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। अपने जूते जो भी शूज है वो भी आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। दर्शन के बाद आपको सही सलामत मिल जाएगा। मैंने भी अपना सारा सामान यहाँ पर छोड़ दिया था, लैपटॉप कैमरा मोबाइल सब कुछ, इसी वजह से मैं आपको अंदर का दर्शन नहीं करवा पाया। दोस्तों कल हम जाएंगे बीर द्वारका, नागेश्वर और गोपी तालाब। तो अगली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।